ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाएगा उसके व्हीकल इंपाउंड होंगे ही, और उसके साथ ही उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बच्चे के अगेंस्ट तो क्या लिया जाएगा, बच्चे को तो समझा ही सकते हैं, पेरेंट्स उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे। जो जो लाइक बाइकर्स जिन्होंने अपना साइलेंसर पाइप मॉडिफाई किया हुआ है जिससे कि मतलब काफ़ी नॉइस पोल्यूशन होता है, उनका उनका बाइक को हम सीधा सीधी हम लोग नमस्कार सभी को, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पक्तू बंगो डीसी ऑफिस के जस्ट बगल में, हमें एसपी ऑफिस से खबर मिला है पिछले 3 दिनों से यहाँ आलो पुलिस एसपी सर के निगरानी में, डीएसपी और ओसी आलो के निगरानी में यहाँ में 3 दिन लगातार ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रैफिक जो वायलेटर्स है उसे चेक किया जा रहा है लगातार। तो इसमें पाया गया है लगभग 400 वायलेटर्स को पाया गया है जिसमें ज़्यादातर लोग जो है हेलमेट नहीं पहन के चलाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और किसी किसी का नंबर प्लेट जो है नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। तो इस कारण हमारे एसपी आलो डीएसपी और हमारे ओसी आलो इंस्पेक्टर ये योमकेन रिनम सर के निगरानी में काफ़ी ज़ोर दौर से यहाँ चेकिंग चल रहा है। मैं विस्तार से आपको अभी हमारे इंस्पेक्टर योमकेन रिनम सर से मिलवाऊँगा, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। ओके गो गालो गालो नारुम आन आप गदम रिक्वेस्ट दू आउ हम ओमेनम ने गाड़ी जिमा बका मोटर व्हीकल्स एक्ट लोम एट दू अंडर 18 ईयर्स ना गाड़ी ओला मा दू नून इग्याम इमा आउ हम ने गाड़ी जी दू आई मीन तना बोलो रिकॉर्ड दम का खानम मैक्सिमम अभियान गाड़ी रोड एक्सीडेंट अंडर एज ना गदे दू आई मीन हिलमल ग न्यू मोटर व्हीकल्स एक्ट रूल हिसाब लोक आउ ड्राइविंग लाइसेंस का माना एक्सीडेंट यम आना बोइन पसीए नून इक्वली नून सिन गलती लो आए आई मीन आई आउ हम कंट्रोल तो का नारू अंगो एपिल दू नारू पुलिस का साथ लो कोऑपरेट लस का ओके स्पेशली आउ हमने तु दोद लो गाड़ी गुरा जिमा बका ओके ड्राइविंग लाइसेंस का मान हमने गाड़ी यम योगा हिलोग लोग एसपी सर नेगो मयम कार की तो एसपी सर में दक एकदम कंटिन्यू चेकिंग एम दक आई मीन नारू आलुब दिनस बता का तो का और मैं ये ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी जो होता है द्वितीय डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से भी मैं अपील करूंगा इस माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से, आप जो है अच्छा से एज प्रूफ छानबीन करके ड्राइविंग लाइसेंस इशू कीजिए। हमें पाया गया है, हम पुलिस से कवर से कवर मिला है कि बहुत सारा अंडर एज लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ रहा है। तो मैं द्वितीयों से भी अपील करना चाहूँगा, आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं आप एज को ज़रूर ध्यान में मद्देनज़र में रखिएगा और अंडर एज को अंडर बिलो 18 ईयर्स एज वाला को आप ड्राइविंग लाइसेंस इशू ना करें। थैंक यू और वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार एसपी सर और आपके लीडर लिए में अंदर में जो है आलो टाउन में काफ़ी ये चेकिंग हो रहा है, इस विषय में सर थोड़ा विस्तार में बता दीजिएगा। देखिए आलो टाउन में वाहनों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है जिसके तहत काफ़ी ये आरती ये सब भी हो रहा है। बहुत सा लोग है जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, जो अगर ये सब इंसिडेंट्स होता है तो उसका बाद में कंपनसेशन ये सब क्लेम करने के लिए भी प्रॉब्लम होता है जी। प्लस यहाँ देखते हैं आप बाकी काफ़ी बाइक राइडर्स है जो बिना हेलमेट पहने और काफ़ी ओवर स्पीडिंग करते हैं और इवन ड्रंक ड्राइविंग भी होता है जिसके वजह से ये सब आरटीए केसेस ज़्यादा आ रहा है। तो इसी के मद्देनज़र हमारा एसपी साहब के डायरेक्शन में हम इंटेंसिव ट्रैफिक चेकिंग जितने ट्रैफिक वायलेटर्स के अगेंस्ट में पिछले सप्ताह से हमने शुरू किया है। तो पिछले सप्ताह हमने 3 दिन लगातार किया था तो जिसमें हमने अराउंड 400 वायलेटर्स को हमने बुक किया है और हमने अराउंड 2 लैक्स का चालान भी किया है। तो इसी को हम जारी रखते हुए ताकि हम हमारे लिए ये आलोंग टाउन का सड़क में सब जितने वाहन चालक है और जो पेडिस्ट्रियन है सब सुरक्षित फील करें, इसी के चलते हम फिर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये हम पब्लिक से अपील करते हैं, ये हमारा हमको देख के हमको डर के ट्रैफिक रूल का पालन करना ऐसा नहीं है। आपको अपना सुरक्षा के लिए, बाकी जो जितना मैंने सड़क में चलता है उनका सुरक्षा के लिए, वो सबको सोच के आप लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, अपना गाड़ी का पेपर्स वगैरह सही रखना है, जो बाइक राइडर्स है वो हेलमेट पहनना है और जितने वाहन चालक है आप लोग दारू वगैरह पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप जब दारू पीते हैं आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है और आप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप होश में नहीं रहता है। तो
इसी सब को मैंने हम जोर रखे एसपी साहब और डीएसपी साहब का क्लोज सुपरविजन में हम ये पूरा जितना हम ट्रैफिक वायलेटर्स के अगेंस्ट ये मुहिम हम जारी रखे हुए हैं। थैंक यू। तो सर आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ सर, जैसे कि हमने देखा है मैक्सिमम जो है एक्सीडेंट जो रोड एक्सीडेंट जो है माइनर बच्चे से होता है जिसका एक्चुअली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, और कानूनी तौर पर अंडर एज बिलो 18 को आप ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप माँ बाप का गलती है ना, किसका गलती आप तो दो लाइन में बता देने से दिखे। हाँ, इसमें हम यही कहेंगे दोनों का गलती है जी, क्योंकि माँ बाप को भी चाहिए कि उनका बच्चा जब माइनर है उनको अच्छा से सोच समझ नहीं है तो उनको बाइक वगैरह देना नहीं चाहिए जी। बाइक वगैरह तभी देना है, गाड़ी तभी चलाने दीजिए उनके पास वैलिड लाइसेंस हो तभी देना है, क्योंकि अगर आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ केस होता है तो बच्चे के साथ माँ बाप भी फंस जाते हैं उसमें। अभी का जो नया MG एक्ट है उसमें तो पेरेंट्स भी इक्वली लायबल होते हैं। जी जी जी, डेफिनेटली। तो सर अब पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेगा? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं यही अपील करूँगा, बच्चों को प्लीज़ ये जो माइनर्स है उनको गाड़ी वगैरह ना दे, और जो अभी जस्ट 18 इयर्स में ड्राइविंग लाइसेंस का जो काबिल हुआ है, जो अभी जस्ट 18 इयर्स पार किया है, उनको भी अगर दे तो अच्छा से उनको समझाए, रेस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, राइड करें, पी पा के ये सब गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, अपनी सुरक्षा और औरों की सुरक्षा के भी को ध्यान दें। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, हम तो आपका लाइसेंस वगैरह इमरजेंसी में आया था मीटिंग, इसमें हेलमेट जमा है, गाड़ी का उसमें हेलमेट नहीं पहना है, चलान चलान मारे जी नाम है मोजस। आप लोग बाकी लोग को सिखाना है कुछ सुन, अभी हम जस्ट ये KT से मीटिंग से आया था, इलेक्शन ऑफिस अभी बोल दिन 3 बजे ऑब्जर्वर आया मीटिंग है, बोल कौन क्या आया बाकी बोल दीजिए भाई जो चलान चलान है तो रिक्वेस्ट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज। आपका हेलमेट क्या है सर? इधर ही कहता हूँ सर। हाँ नहीं सर, नहीं इधर जाने से भी आप हेलमेट क्यों नहीं पहने? आप जब टू व्हीलर चलाएगा हेलमेट पहनना है। लाइसेंस है सर? सर स्कूल है। हाँ स्कूल सर। कितना उम्र है सर? 17। ये बाइक को ले लो असली सर, सर सामने में ना सर, ये बाइक को ले लो सामने दो कपा सर। भाई कौन सा स्कूल में पढ़ता है आप? सर भाई इधर देखो, कौन सा स्कूल में पढ़ता है? नेहरू में। इसको खाना ले लो सर, छोड़ दीजिए ना प्लीज सर। नहीं 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 सर, आप लोग कैसे अंदर जाके बाइक चला रहे हैं? जाओ पैदल जाओ। क्या नाम है? छोड़ दीजिए सर, बाइक को सीज कर लो सर आज के लिए सर। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, हाथ बंद लगा लो पीछे पीछे आता हूँ। हाँ थैंक यू सर। सर चाबी को निकालना है? नहीं 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 ठीक है। गाड़ी क्या नाम है तुम्हारा? रजिस्ट्रेशन है। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस है। पार्किंग पास ही चीजें मेमो बनाओ किधर जी मैं बना चेक का चेक। हाँ जाइए जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज अभी आए हैं हम यहाँ ब्रिज पॉइंट में, सिपू ब्रिज पॉइंट में ओसी साहब खुद यहाँ अपने जवानों के साथ यहाँ में चेकिंग कर रहे हैं। यहाँ में
अंडर एज वाला एक लड़का को पकड़ा गया है। मैं सभी माँ बाप से अपील करता हूँ, देखिए अपना बच्चों को अंडर एज वाला को गाड़ी ना दे, बाइक ना दे। ये लड़का का कहना है, ये 17 ईयर्स ओल्ड एज है, तो कोशिश सर अभी इस गाड़ी को सीज कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज का नया ये मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्ट है, आपको कोर्ट से ही अभी जिम्मा पिटीशन फाइल करके इस बाइक को निकलना पड़ेगा। एक बार सीज होने के बाद एसपी और ओसी का भी कोई ये नहीं है, अभी सीधा ये कोर्ट में जाएंगे और जिम्मा पिटीशन लेके उसे कोर्ट से निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी माँ बाप से अपील करता हूँ कि अपने अंडर एज बच्चों को बाइक ना दे, गाड़ी ना दे, अब पढ़ाई में ध्यान देने दीजिएगा। यहाँ देखिए आलो वासी, बहुत सारा गाड़ी ऐसे है, गाड़ी तो 10-15 साल का है लेकिन रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, तो ये भी एक कानूनी जुर्म है। तो हमारे ओसी सर इंस्पेक्टर योमकेन रिराम काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ। सर आप ट्रैफिक आलो का ट्रैफिक ओसी है ना, ये ट्रैफिक ओसी इंचार्ज ना? हाँ, ओके जी। तो सर आप बताइए, यहाँ में स्पेशली टू व्हीलर्स में मतलब आप क्या पाया गया, इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है टू व्हीलर्स लुक होता है, तो इसमें बड़ा लुक हो रहा है ना, जिसका अंडर एज हो रहा है ना, क्या हो रहा है इसको, इस विषय में आप थोड़ा बता दीजिएगा। हम आलो वासियों को बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आलो में अंडर एज का गाड़ी ज़्यादा ये एक्सीडेंट हो रहा है और ये ट्रिबल कैरी और इसमें भी ज़्यादा हो रहा है। और ये यहाँ पे हम लोग का ये हम भी तो ये ट्रैफिक इंचार्ज है जी। और आलो में ये बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ लेकिन हम इतना ये सालों से कोशिश किया है जी। तो आज भी ये ओसी साहब हम दोनों यहाँ पे है ये सिपू ब्रिज में, तो यहाँ पे हेलमेट भी नहीं पहनता है। हाँ, बिना हेलमेट का जाता है ना? बिना हेलमेट का जाता है औरतों ने जी। हम पहले ये एसपी कॉन्फ्रेंस में भी हम बोला औरत लोग को और लेडीज लोग को ये उन लोग डीसी साहब भी पूछा था ये औरत ये लेडीज का उन लोग बहुत अच्छे तरह से ये हेलमेट पहनता है, वहाँ ऐसे बता दिया था। यहाँ पे हम देखा है तो ज़्यादा ये हेलमेट यूज नहीं करता है, तो इस कारण से यहाँ पे आलो में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ओके सर, हम देख रहे हैं पिछले एक दो साल से जब से आप यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज बनाए, हम देख रहे हैं आप बहुत ही ड्यूटीफुल है, हर दिन वहाँ टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग आप बहुत अच्छी तरह मतलब कोशिश कर रहे हैं, मतलब आलो के ये पार्किंग प्रॉब्लम को भी कुछ हद तक जब से आप आया है आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम आलोवासी बहुत ही थैंकफुल हूँ आपको। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक गद पार्किंग हमने इजाल भी दुगुना बे माल भी माना बे। यहाँ पे हम भी अभी पहले जो बोला था आलो को सुंदरता करेगा बोल के हम भी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे अभी हम देखा जाए तो ये पार्किंग या नेहरू सौ का पार्किंग बहुत अच्छे तरफ से यहाँ का पब्लिक भी साथ दे रहा है और ये टू व्हीलर का फोर व्हीलर का हम बना दिया है और मेडिकल में भी बना दिया है बहुत अच्छा पार्किंग में, तो अभी तक हम देखा जाए तो बहुत बढ़िया पार्किंग हो रहा है। ओके थैंक यू ओके सर। तो गाड़ी पूर्णा के कुंडो नंबर प्लेट दांग मायो हम बदु नहीं पूर्णा तो कुना नहीं ऑप्शन जिस चाकुने ऑप्शन जिन नंबर प्लेट दांग माला का जा रवि कर दिया यूँ मैंने नंबर प्लेट योलो लिंग मार ब्लैक लोग ना नांगोले मामा ओरिजिनल गाड़ी का उसका दो आई नंबर प्लेट योलो लिंग मार दुना है लॉक सिस्टम दांग नहीं माने को का से नंबर प्लेट दांग मार दुदा लक मजे गई ठीक मैम नहीं पुलिस का दयोम दुले सीज एक्स वाई नो एम सी पुलिस का तो इमुर एम बुदो मातार गम बुदो राइट है आई नो एक्सेप्ट दो इमुर दो आई सर आपका हेलमेट कहाँ है? हम इधर ही जा रहे थे। नहीं आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट
हम आपको पूछ रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा बड़ा है तो समझदार है ना, तो आप तो समझदार लोग, तो हेलमेट पहन के बच्चों को भी दिखाना चाहिए ना, है कि नहीं? तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहने थोड़ा बता दीजिए। ये एसपी साहब का ऑर्डर है आज चेकिंग करने का, और हमको भी बुलाया गया है ना, हमको भी बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो आपसे पूछ रहा, आप हेलमेट क्यों नहीं पहने? देख पा रहा है यहाँ दो स्कूटी अंदर माइनर माइनर लड़का जो है चला रहा है, तो उसी सर ने इसे पकड़ लिया है। तो मैं माँ बाप को फिर से अपील करना चाहूँगा, देखिए आप लोग पुलिस को कोऑपरेट जरूर कीजिएगा, दुर्घटना घटने से पहले विदाउट इंसिडेंट होने से पहले आप लोग साथ देना चाहिए, ऐसे ना हो बाद में कुछ होने का बाद आप लोग पुलिस को बदनाम नहीं करना चाहिए। हमारा आलो के पुलिस जोरदार लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है यहाँ इंसिडेंट को एक्सीडेंट को रोकने की, तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी पेरेंट्स हैं पुलिस को फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। हम बुलेट के बारे में मालूम नहीं माउंटेन राइडर ये देखिए, इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है इसलिए रोका गया है। अरे पीछे जो जो लाइक बाइकर्स जिन्होंने अपना साइलेंसर पाइप मॉडिफाई किया हुआ है जिससे कि मतलब काफ़ी नॉइस पोल्यूशन होता है, उनका उनका बाइक को हम सीधा सीधी हम लोग यहाँ सीज कर रहे हैं, उनको बाद में तभी रिलीज़ किया जाएगा जब वो मैकेनिक ला के बाइक में अपना साइलेंसर चेंज करेंगे तभी हम रिलीज़ करेंगे। और सर जो माइनर जो बाइक चला रहा है, जो माइनर बाइक चला रहे हैं उनका बाइक भी हम सीज कर रहे हैं। ओके। और उनको हम कोर्ट में बाद में फॉरवर्ड कर देंगे, कोर्ट से बाद में उधर जिम्मा लेके कोर्ट से निकाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
ये ना लाइसेंस नहीं वाला गाड़ी इंपाउंड करके रख दो ठीक है सर ना जो गाड़ी लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस इंपाउंड करना होगा सर कितने बजे से आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं हम लोग सर दो बजे से बैठ रहे हैं दो बजे से अभी तक बैठ रहे हैं ना अभी तक बैठ ओके तो अभी तक कितना यहाँ हेलमेट नहीं पहनने वाला पकड़ा गया है अभी हिसाब नहीं किया सालन को गिनने से अंदाजा में 10-15 तो होगा उसमें से ज्यादातर क्या कम उम्र वाला है ना ज्यादा उम्र वाला है नहीं उम्र तो ठीक वाला है उम्र वाला ठीक है उम्र ठीक है और चौथा बच्चा अंदर तीन वाला जो गाड़ी चला रहा है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं उसको हम लोग डिटेन कर रहे हैं डायरेक्ट सीज कर रहे हैं डायरेक्ट सीज और जो बाइक जो साइलेंसर पाइप जो मॉडिफाई कर ज्यादा नोज पोल्यूशन देने वाला को उसको सर हम लोग सीज करके थाना में ले जाएगा वो साइलेंसर पाइप को एक्सचेंज करना पड़ेगा चेंज नहीं करने से जब तक नहीं करेगा उन हम लोग इधर डिटेन करा देते हैं नो आना गदम ओमियम बाइक जिन गदम यो गोम यम मेन काटो कम निगो ओमेगा दंगो मेन द आना बम न मेन सा आना आना गद नु बाइक जिन गद अल्लु कागज पत्र ने ठीक ठाक गेलो ओमियम बेलियम तोका ओमे अंदर एज न जिन गदम अंदर एज न गदम नु बिल्कुल सभी जीव का ओके गाड़ी सारी लाजो का बाइक साइक लाजो का ही ओमे अंदर एज नाम लाजो ने आना बोपासी है थैंक यू सर गुड इवनिंग सर आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज में स्वागत करता हूँ थैंक यू सर जैसे ही कल आपका मैसेज मैंने मिला तो ओसी सर के साथ मैं यहाँ पखतूती नाली और सिपू ब्रिज और गुमी नगर बोगदो में उसके चेकिंग में मैं भी साथ में गया और हमने पाया गया है बहुत सारा माइनर बच्चा जो है टू व्हीलर्स चला रहे हैं और बिना हेलमेट का बहुत सारा लोग बाइक चला रहा है और गाड़ी 2-3 साल पुराना हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन किया नहीं है और सर हम देखा है 2-3 दिनों से लगातार आपका पुलिस जो है यहाँ में चेकिंग कर रहा है सर इस विषय में आप थोड़ा पब्लिक को बता दीजिएगा जी देखिए ये हम लोगों की तरफ से एक पहल हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है रेगुलरली ट्रैफिक चेकिंग तो होती ही है बट इसको और इंटेंसिव तरीके से करने का हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था उसमें बेसिकली ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही है मोस्टली लोगों का क्या सोचना होता है कि ट्रैफिक चेकिंग होती है तो वो पब्लिक के अगेंस्ट है ऐसा नहीं है एक्चुअली हम लोग जो एनफोर्स कर रहे हैं रूल्स एनफोर्स कर रहे हैं ट्रैफिक पे रोड सेफ्टी के नॉर्म्स जो एनफोर्स कर रहे हैं इसका हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए क्योंकि कल को एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जो ड्राइव कर रहा है उसको भी चोट लग सकती है और जिसका कोई कसूर नहीं है उसको भी चोट लग सकती है अभी पीछे ही एक एक्सीडेंट का केस हुआ था फेटल एक्सीडेंट का जिसमें एक आदमी की डेथ हो गई थी उसको हेड इंजरी से उसकी डेथ हो गई थी आप सोचिए अगर उसने हेलमेट पहना हुआ होता तो उसकी डेथ नहीं होती और एक जवान जिंदगी जो है वो बच चुकी होती पर वो नहीं हुआ इसी वजह से हम लोगों ने ये जो काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया था उसके बाद पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने उस पर चेकिंग चालू की है उसमें 3-4 मुख्य चीज़ें हैं एक तो हेलमेट नहीं लगाने की एक हमारी आदत पड़ चुकी है सबकी तो उसको हमें सुधारना चाहिए हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए ही है बहुत सारे केसेस में वर्ल्ड ओवर एक ये स्टडी है कि हेलमेट लगाने से हम लोगों की जो फैटेलिटी का रेशियो बहुत कम हो जाता है हम लोग अपने आप को बहुत सेफ गार्ड कर सकते हैं इसलिए सभी हेलमेट लगाइए दूसरी हम लोग एक जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें ये देखा गया है माइनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जो टू व्हीलर्स चला रहे हैं या फोर व्हीलर्स भी चलाते हैं माइनर्स है या जो भी हो जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इट मीन्स ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट वो व्हीकल चलाने का उसको अभी तक कॉम्पिटेंस नहीं आया है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो भी गाड़ी चला रहे हैं और उसमें स्पेशली माइनर्स तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं और अभी अब उनका व्हीकल्स इंपाउंड करना भी स्टार्ट कर दिया है जो नया एमवी एक्ट आया है उसके तहत मैं एक सबको संदेश देना चाहता हूं कि उसके अंदर अगर आपका माइनर बच्चा जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसके अंदर बच्चे से ज़्यादा लाइबिलिटी पेरेंट्स की है तो उसके अंदर पेरेंट्स के अगेंस्ट भी एक्शन होगा और इसमें मैं बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अपने माइनर बच्चों को टू व्हीलर्स नहीं देने हैं उसके अंदर जो भी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी कानून में है वो की जाएगी इस और इसके अलावा बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपनी गाड़ियों का हम लोग देखते हैं बाइक्स है उसमें नंबर प्लेट्स नहीं है आगे है पीछे नहीं है पीछे नहीं है आगे है कहीं है भी नहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है फॉल्टी नंबर प्लेट्स है तो ये सारी चीज़ें गलत है इसको हम लोगों को सुधारना है हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हेलमेट लगाइए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो गाड़ी मत चलाइए और अपने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन भी कराइए विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी आप चला नहीं सकते हैं इसके अंदर कानून में सख्त प्रावधान है इनके खिलाफ उसके अलावा फोर व्हीलर ड्राइवर्स को भी मेरी एक अपील रहेगी कि आप भी गाड़ी चलाते वक्त आप लोग सीट बेल्ट लगाइए सीट बेल्ट से भी बहुत लोगों का एक्सीडेंट में बचाव होता है सिंस अरुणाचल एक हिली एरिया है आप देखेंगे सब हिली एरियाज़ हैं हिली एरियाज़ के अंदर सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है कल को कुछ भी मिसहैप होता है हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते हैं हम लोग ये श्योर भी नहीं हो सकते कि हमारे साथ कुछ गलत होगा नहीं तो उस केस के लिए सीट बेल्ट है सीट बेल्ट लगाइए चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने एक बहुत जो देखा है इवनिंग के अंदर, स्पेशली हाईवेज़ के ऊपर, रोड्स के ऊपर देखा गया, लोग गाड़ी ले जाते हैं, लगाते हैं, दारू पीते हैं, लिकर कंज्यूम करते हैं और फिर उसी इंटॉक्सिकेटेड स्टेट के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं। तो अगर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यू शुड नॉट मिक्स देम। अगर आप पी के गाड़ी चलाते हो तो आप अपने साथ दूसरा, जो किसी का कोई कसूर भी नहीं है, उसकी जान को भी आप खतरे में डाल रहे हो। आप अपनी जान के साथ अपनी फैमिली की भी लाइफ रिस्क में डालते हैं, उनके जीवन को आप रिस्क में डाल रहे हो, साथ में दूसरे आदमियों को भी रिस्क में डाल रहे हो। इसलिए इस चीज़ को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। सर एक सवाल आपसे रहूँगा। सर ये हमने देखा गया है आलो टाउन के अंदर जितने भी स्कूल हायर सेकेंडरीज हैं, इसमें बच्चा जो है आजकल एक पैशन बन गया है टू व्हीलर से, बाइक से स्कूल आने का, जो कि उन लोग अंदर एज है। तो इसमें सर आप स्कूल के प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट आपने बताया है और इसमें नो डाउट स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ तो हम लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं कि ऐसी चीज़ों पे रोक लगनी है स्कूल के अंदर, इस ऐसी एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ावा नहीं देना है। और पेरेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने बच्चे को, उसकी सेफ्टी चाहते हैं और उसकी लाइफ में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एक, देखिए ये एक सिम्टम है हम लोग कानून को नहीं मानने का, हम लोग शुरू से ही एक वो उसको एक छूट दे रहे हैं। आज MV एक्ट को वायलेट किया है, कल को हो सकता है ड्रग्स में चला जाए, कल किसी और चीज़ में चला जाए। तो एक कानून को नहीं मानने का, कानून जो कंट्री का, जो हमारे स्टेट का कानून है, उसको नहीं मानने की एक हैबिट पड़ जाती है स्टार्टिंग से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, जब तक कि बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता तब तक उसके सारे काम वो जो करता है उसकी डायरेक्ट जो सुपरविजन है और जो कंट्रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की होती है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने बच्चों को व्हीकल्स मत दीजिए जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक उनका लाइसेंस बन जाने दीजिए, उनको अच्छे से गाड़ी चलाने आने दीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली दीजिए। अभी जब तक लाइसेंस नहीं बनता तब तक उनको व्हीकल देना कोई वो लाड प्यार की निशानी नहीं है। बेसिकली ये हम लोग एक स्टार्टिंग से उनको एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी आलो के सारे सिटीजन, वेस्ट सियांग के सिटीजन जो भी इसको देख रहे हैं, कृपया इस चीज़ को आप रोकिए और आप अपने बच्चों को जब तक लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनको व्हीकल्स मत चलाने दीजिए। स्कूल्स के अंदर भी इसको कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं। और बिल्कुल अब यही एक्शन होगा कि अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाएगा उसके व्हीकल इंपाउंड होंगे ही और उसके साथ ही उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। बच्चे के अगेंस्ट तो क्या लिया जाएगा, बच्चे को तो समझा ही सकते हैं, पेरेंट्स उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यही मेरा एक रिक्वेस्ट भी है और मैसेज भी है सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पख्तूती नाली में है, यहाँ ज़ोरदार से चेकिंग चल रहा है। लगभग 30 मिनट्स हुए हैं हम आए हैं, 30 मिनट्स से देख रहे हैं। 30 मिनट्स में मोर देन 30 टू व्हीलर्स राइडर्स हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है और बहुत सारा व्हीकल्स ऐसे भी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और अंडर एज, जो भी अंडर एज वाला बाइक चला रहा है उसे सीधा गाड़ी को जो है, बाइक को जो है सीज किया जा रहा है। तो मैं पुलिस को भी थैंक्स देना चाहूँगा, आलो को हमारे पुलिस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रोकने के लिए। और मैं सभी पेरेंट्स को फिर से अपील करूँगा अपने माइनर बच्चों को गाड़ी ना दें। और अभी पार्टी का समय है, पिकनिक का समय है, तो जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं सभी से भी मैं अपील करूँगा पीपा के गाड़ी ना चलाएं। और मैं जितने भी स्कूल के, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो के जितने भी स्कूल के हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, सभी से भी मैं अपील करूँगा स्कूल में बाइक लेके आना मना कर दीजिएगा, क्योंकि अंडर एज बिलो 18 ईयर्स वाला बच्चा जो है गाड़ी बाइक नहीं चला सकता है। तो आपके स्कूल जितने भी आलो में स्कूल है सभी से मैं कहूँगा 2 हफ्ता बाद हम ओसी सर से बोल के, SP सर से मिल के 2 वीक्स के बाद हर स्कूल में हम चेकिंग करेंगे। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ मैं ओसी सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल को भी चेकिंग करेंगे, 2 हफ्ता का समय दे रहा है। तो जितने भी प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को जो है बाइक से आने ना दिया जाए, क्योंकि ओसी सर का भी कहना है और पुलिस रिकॉर्ड भी है मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है माइनर बच्चों से हो रहा है। खुद के लिए खुद का जान भी मुश्किल है और दूसरों को जान को भी मुश्किल में ला रहा है, तकलीफ में ला रहा है। इसीलिए मैं सभी से फिर से अपील करूँगा, जितने भी स्कूल अथॉरिटी है ध्यान से सुनिएगा, 2 हफ्ता बाद, आज से 2 हफ्ता बाद हम स्कूल चेकिंग करना शुरू करेगा। थैंक यू।